तो जानती है ना, जैसे ही माँ और नकुल को पता चलेगा वो हमें घर से निकाल देंगे और अर्जुन को अपने पास रख लेंगे। लेकिन हम अर्जुन के बगैर नहीं रह पाएंगे दीदी, हमें हमारे बच्चे से अलग मत कीजिए प्लीज दीदी प्लीज। हमें समझने की कोशिश कीजिए दीदी, हम जानते हैं आप हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे कभी नहीं, लेकिन हमारी गलती की सजा हमारे बच्चे को मिले ये भी तो ठीक नहीं है ना। और बेचारा नकुल वो तो कितना मानता है आपको, कितना प्यार करता है आपसे, तो क्या भाभी को अपने देवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसका ख्याल नहीं करना चाहिए दीदी? जरा सोचिए, जरा सोचिए क्या हाल होगा नकुल का। हम तो चले जाएंगे इस घर से, लेकिन क्या वो खुद को संभाल पाएगा, रह पाएगा क्या वो हमारे बिना? आप तो खुद भी एक माँ है ना दीदी, आप तो समझ सकती है ना अपने बच्चे से दूर रहने की तड़प क्या होती है, क्योंकि आपने सहा है ये सब कुछ, तो क्या आप वही दर्द एक दूसरी माँ को भी देना चाहेंगी? हम सच कह रहे हैं दीदी, हम सच कह रहे हैं, आज हम अपने लिए नहीं सिर्फ अपने बेटे के लिए आए, अपने अर्जुन के लिए आए आपके पास भीख मांगने। हम हाथ जोड़ते हैं दीदी आपके सामने, हाथ जोड़ते हैं प्लीज प्लीज प्लीज, हमारा सच फैमिली को घर वालों को मत बताइए, हमारे अर्जुन को आपसे मत छीने, हम नहीं रह पाएंगे प्लीज प्लीज दीदी प्लीज। एक माँ के आगे शायद एक बहन की नफरत मात खा गई रश्मि, जो दर्द मैंने सहा है अपनी बेटी से दूर रहकर, तो अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी दुख नहीं दे सकती मैं, तो बहुत गलत किया है श्तो को, धोखा दिया है तूने, एकत्री की है उनकी, उसकी सजा तेरे बच्चे को नहीं मिलेगी रश्मि। इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तेरा सच किसी के सामने नहीं आएगा रश्मि। सच्ची दीदी, जीजू की कसम खा करके नहीं, मिया या मिठू की कसम, किसी को सच ना बताना मंजूर किया मैंने, लेकिन कुछ नहीं बोली हूँ मैं, और ना ही तुझे माफ किया मैंने रश्मि। तुझे क्या लगा इतना आसान नहीं है? एक बात याद रखना, हर पल हर घड़ी मेरी नजरें तुझ पर ही रहेंगी, अगर तूने जरा भी कोशिश की ना मुझे या मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की, तो एक बात याद रखना कि अर्जुन को संभालने के लिए, उसको पालने के लिए उसकी मासी है, अभी नानी है, दादी है, पूरा परिवार है, एक पल नहीं लगेगा तेरे हाथ पकड़ के धक्के मार के तुझे इस घर से बाहर फेंकने के लिए। आई होप ये बात तुझे याद रहे, नींद में भी सपनों में भी। Thank you.